फ्रेंड्स, माय नेम इज नीरज शर्मा, एन वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे मेरे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज अपलोडेड हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, जिसके अंदर हम बहुत सारी कंडीशंस देखने वाले हैं सिंगली रेनफोर्स बीम की, उसका एनालिसिस करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन देखेंगे, अंडर रेनफोर्स किस कंडीशन में होता है, ओवर रेनफोर्स किस कंडीशन में होता है, ये हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, तो प्लीज़ रेट यू रिकमेंड माई लेसन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम है वो आगे के जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि हम उसके अंदर डिटरमाइन करेंगे क्रिटिकल सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स है या फिर ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। ओके, तो द टारगेट ऑडियंसेस आर IES एस्पिरेंट, गेट एस्पिरेंट, SSC JEE एस्पिरेंट्स, RRB एस्पिरेंट, ओके, अदर यूनिवर्सिटीज एग्जाम लेवल एस्पिरेंट स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज़ अबाउट मी। इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज़ रेट यू रिकमेंड माई लेसन। आपको मेरे लेसन कैसे लग रहा है मुझे जरूर बताएं। स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम मतलब होता है कि ये मैंने क्रॉस सेक्शन लिया एक बीम का, और उसके जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब जो टेंशन वाला पार्ट है, ओके, वहाँ पर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्क्रीट होता है वो कंप्रेशन में अच्छा होता है, ठीक है, कंप्रेशन में रिच होता है, बट पुअर होता है वो टेंशन के अंदर। तो टेंशन में क्या करता है कि जो नीचे न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, टेंशन, उधर ऊपर होता है कंप्रेशन। इसलिए ऊपर सीमेंट का कंटेंट होता है और नीचे क्या होता है, मतलब कंक्रीट का कंटेंट होता है और नीचे होता है हमारा रेनफोर्समेंट, जिससे क्या है, टेंशन को बेयर कर सके, क्योंकि जो टेंशन में स्टील होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, नाउ मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करता हूँ। बीच में जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, जहाँ पर टेंशन और कंप्रेशन दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ओके, ये तो अपन ने पहले पढ़ ही रखा है। रेनफोर्समेंट के जो नीचे अपना कंक्रीट का कवर होता है, अपन ने पढ़ा था 40 mm 30 mm, वो होता क्या है, वो होता है हमारा क्लियर कवर। ओके, वो होता है हमारा क्लियर कवर। एक वर्ड होता है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या होता है, क्लियर कवर प्लस θ/2 या फिर φ/2। मीन्स मैं थीटा किसको बोल रहा हूँ या फाइव किसको बोल रहा हूँ, मैं फाइव बोल रहा हूँ डायामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। ओके, यदि रेनफोर्समेंट 25 mm का है तो हमारा जो इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगा, सपोज 50 mm का हमारा कवर है, रेनफोर्समेंट है 25 mm का, तो कितना हो जाएगा, 62.5 इफेक्टिव कवर। ओके, तो समझ में आ गया अपना इफेक्टिव कवर क्या है। नाउ मैं बात करता हूँ डी, या फिर इफेक्टिव डेप्थ किसे कहते हैं। जो हमारा रेनफोर्समेंट है उसका सेंटर से लेके और जो टॉप हाइट तक की जो हाइट होती है वो मेरा डी कहलाता है, इफेक्टिव डेप्थ। ओके, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है बीम की जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ मैं बात करता हूँ कि ये जो बीम है उसके अंदर जो ऊपर से लेके, मतलब जो टॉप फाइबर है वहाँ से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे मैं एक्सी बोलता हूँ, ठीक है, उसे मैं एक्सी बोलता हूँ। अब ऑब्वियसली बात है, ये पूरी हाइट डी है, ये एक्सी है, तो जो ये हाइट होगी न्यूट्रल एक्सिस से और बॉटम तक, ठीक है, ये मेरी क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्सी हो जाएगा। बॉटम इन द सेंस में क्या बोल रहा हूँ, रेनफोर्समेंट का सेंटर है जो, ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको समझा ही दी। ओके, नाउ मैं बात करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो मॉडुलस था, ओके, मॉडुलर रेशियो, जिसके कारण मैंने क्या किया, इस रेनफोर्समेंट को कंक्रीट में कन्वर्ट किया, और जो इसके अंदर स्ट्रेसेस होती है वो क्या होती है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड होती है, ठीक है, तो इस लाइन के तहत ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, और जो एरिया होगा इस कॉन्क्रीट का, जैसे कि रेनफोर्समेंट के एरिया की बात करो तो वो होगा AST, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। अब इसकी प्लेस में मैंने कंक्रीट लगाई, इसके मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया पहले कि किस तरह से इसमें अपन ने कंक्रीट इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, MST हो जाएगा, MAST। ओके, एक फैक्टर जुड़ा है इसके अंदर मॉडुलस, वो क्या कह रहा है, एम कहलाता है, बाकी हम इसको AST से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉन्क्रीट का एरिया आ जाएगा। ओके, इसका यदि मुझे स्ट्रेस डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस होगी वो क्या होगी, σST/M। सिर्फ रेनफोर्समेंट की बात करूँ मैं तो σST उसकी स्ट्रेसेस होगी, बट यदि मैं उसकी जगह कंक्रीट प्लेस कर रहा हूँ तो मुझे कंक्रीट के लिए निकालना होगा, तो σST/M होगा, जो अपर लेयर होगी उसमें σCBC होगा, डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी XC होगी, ये डी माइनस XC होगी। नाउ मैं बात करता हूँ अपन को XC निकालना कैसे है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक डेरिवेशन कराया है सिमिलर ट्राइंगल से। यदि मैं सिमिलर ट्राइंगल लगाता हूँ किसमें, इसके अंदर, तो सिमिलर ट्राइंगल क्यों हुआ ये, क्योंकि ये दोनों कोण जो होंगे इसके बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों जो कोण होंगे ये दोनों इसके बराबर होंगे। ओके, नाउ मैं बात करता हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, तो इसका मतलब दो चीज़ें इसमें सिमिलर है, तो एक ट्राइंगलर मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। ओके, तो दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस मैं कर सकता हूँ यहाँ से सिमिलर ट्राइंगल से, तो मैंने यही किया, σCBC = σST, σXC = m डॉट
डी माइनस एक्स सी। ओके, मैंने इसको फुल्ली सॉल्व किया, बिल्कुल इजी सी, इसके अंदर मैथमेटिक्स लगाई है और एक्स सी की वैल्यू निकाली है। क्या किया मैंने, चलो आपको समझा देता हूँ। सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स सी, ये अपना हो गया। ओके, मैं डी माइनस एक्स सी को यहाँ पर ले गया और इसको मैं यहाँ पर ले गया, ये स्टेप मेरे पास आ गई। ओके, अब मैंने क्या किया, डी माइनस एक्स सी किया आया, अपन ने कॉमन लेके इसको क्या कर दिया, डी अपॉन एक्स सी माइनस वन इसको कर दिया। एम की वैल्यू क्या होती थी मेरे पास, मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था कि 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी। ओके, और सिग्मा सी बी सी ये है ही, सिग्मा सी बी सी कट जाएगा। ओके, नाउ मैं बात करता हूँ 3 से कट जाएगा ये 280, तो ये कितना आ जाएगा 93.331 प्लस सिग्मा एस टी 9.33। मैं यदि इसको निकालता हूँ एक्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो 93.33 अपॉन सिग्मा एस टी प्लस 93.33 डॉट डी। नाउ मैं बात करता हूँ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यदि मुझे निकालना है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो कैसे निकलेगी, इस तरह से निकलेगी। ओके, इसकी आप डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करती है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, बाकी सब क्या है मेरे कॉन्स्टेंट है, डी कॉन्स्टेंट है, हमको एक हाइट दी होगी, ये कॉन्स्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये डिपेंड कर रही है सिग्मा एस टी पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि सिग्मा एस टी यदि मुझे कुछ दे रखा है तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 0.40 डी हो जाएगा एफ ई 250 के लिए। ओके, एफ ई 150 के 115 415 के लिए क्या हो जाएगा 0.289 डी, और एफ ई 500 के लिए क्या हो जाएगा 0.25। ये क्या हो गया, जो मैंने एक वैल्यू दे रखी है 0.253 और 0.289, ये क्या होता है, ये के होता है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, के कहलाता है ये। ओके, आगे आपके काम आएगा काफ़ी, मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो नाउ मैं बात करता हूँ कि मैं इसका मोमेंट किस तरह से निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसकी मोमेंट निकालना है मुझे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। ओके, ये मेरा क्या है, फाइबर है। ओके, ये मेरी बीम है, बीम का मैंने क्या किया, सेपरेट बना लिया ऊपर एक सेक्शन जो कंप्रेशन वाला है। ओके, और नीचे जो रहेगा मेरा क्या रहेगा, टेंशन में जो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा एम ए एस टी, उसकी विड्थ बी है और जो डेप्थ है वो क्या है, एक्स सी है। ओके, नाउ मैं बात करता हूँ इसके अंदर, जैसे कि मैंने इसका क्या किया, एफ बी डी बना लिया, इसका मैंने क्या किया, एक एफ बी डी बना लिया जिसके अंदर इस जगह पे लग रही है अपनी टेंशन, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, इससे मैं समझ रहता हूँ, यहाँ पे लग रही है अपने टेंशन, नीचे वाले फाइबर पे क्या लग रही है, टेंशन, ऊपर कंप्रेशन लग रहा है एक्स सी बाई थ्री। एक्स सी बाई थ्री क्यों, क्योंकि ये क्या है मेरा एक्स सी पूरा यहाँ तक है। ओके, अब इसका जो लोड होगा या फिर जो इस पर स्ट्रेसेस होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड होगी इसके सेंटर पे, और मुझे पता है मैंने जब सोम पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, फिर सेंटर ऑफ मास होता है ट्रायंगल का, वो कहाँ पर होता है, बी बाई थ्री पे होता है, ठीक ठीक है, मतलब डी बाई थ्री पे होता है। तो मेरा डी क्या है, एक्स सी है, तो एक्स सी बाई थ्री पे होगा इसका सेंटर। ओके, तो ये मेरा एक्स सी बाई थ्री पे लग रहा है पूरा। ओके, कितनी डिस्टेंस पे, एक्स सी बाई थ्री डिस्टेंस पे लग रहा है सी इधर की तरफ। ओके, और ये लग रहा है मेरा टी कितना, डी माइनस एक्स सी पे। ओके, इतना समझ में आता है आपको, ठीक है। इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल किया है और बाकी सेम फोर्सेस लग रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, ये इधर की तरफ लग रहा है और इधर की तरफ लग रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मेरा रोटेशन हो रहा है। मेरा रोटेशन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो एम नोट क्या हो जाएगा, सी मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मेरा सी लग रहा है, सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरी, एक्स सी माइनस एक्स बाई थ्री, ठीक है, प्लस टी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी माइनस एक्स सी, डी माइनस एक्स सी। ओके, यही सेम लिखा है मैंने, डी माइनस एक्स सी और एक्स सी माइनस एक्स बाई थ्री इसके अंदर लिखा था, डी माइनस एक्स सी लिखा था, मतलब सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, न्यूट्रल एक्सिस को बिल्कुल सेंटर में माना है, तो सी इज इक्वल टू मेरा टी हो जाएगा। ओके, नाउ मैं बात करता हूँ जो मेरी सी की वैल्यू है, यदि मैं आगे जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो सी की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, ये सी इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा सी बी सी अपॉन टू इंटू बी इंटू एक्स सी, बी इंटू एक्स सी, बी है मेरी विड्थ और एक्स सी है मेरी जो ऊपर वाले न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है। ओके, नाउ मैं टेंशन की बात करता हूँ, यदि मैं टी लेता हूँ, ये तो ये बात हुई जब मैं सी ले रहा हूँ, यदि मैं टी लेता हूँ तो मेरा टी बराबर हो जाएगा सिग्मा एस टी डॉट ए एस टी। ओके, तो एम नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू एक्स सी माइनस एक्स सी बाई थ्री प्लस टी डी माइनस एक्स सी, सी इज इक्वल टू टी है ही। ओके, अब मैं सी की वैल्यू पीछे से पुट ही कर दूंगा, मैंने आपको बता रखा है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये तो मेरा मोमेंट आ गया, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स क्या है मेरा सी और टी दो है, कंप्रेशन और टेंशन, तो कहाँ से निकालना है, जो फेल होगा मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर, जो चीज़ फेल हो रही होगी वहाँ से मेरे को कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो ये आ जाएगा मेरा लीवर आर्म सी
मतलब मेरा फोर्स और लीवर आर्म क्या होता है, डी माइनस एक्स सी बाई थ्री, क्या होगा मेरा लीवर आर्म, डी माइनस एक्स सी बाई थ्री, ओके। या फिर ये कंप्रेशन साइड से आ रहा है, टेंशन साइड से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू डी माइनस एक्स सी बाई थ्री, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन द कॉन्क्रीट एंड स्टील कम्स एट द सेम टाइम। मतलब क्रिटिकल सेक्शन है, इसको क्रिटिकल सेक्शन को बैलेंस सेक्शन ही बोलता हूँ, इसका मतलब दोनों में जो परमिसिबल स्ट्रेंथ है या परमिसिबल स्ट्रेसेस है वो क्या आ रहा है, सेम टाइम पे आ रहा है। नाउ मैं बात करता हूँ अंडर सेक्शन की, मतलब अंडर एनफोर्स सेक्शन की, वो क्या था, क्रिटिकल सेक्शन था जिसके अंदर बराबर थे सब। अब यदि अंडर एनफोर्स सेक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि रेनफोर्समेंट अंडर है, इसका मतलब रेनफोर्समेंट कम है कॉन्क्रीट एज कम्पेयर टू ज़्यादा है, जितनी होनी चाहिए उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है कॉन्क्रीट की, तो इसका मतलब जो फेल होगा स्ट्रक्चर के अंदर वो सबसे पहले क्या होगा, कॉन्क्रीट ही होगा, ओ सॉरी स्टील ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, डिजायरेबल से कम है, क्रिटिकल सिचुएशन से कम है। तो जो मेरा कंप्रेशन फोर्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सी ए बाई टू इंटू बी इंटू एक्स ए। क्यों सी ए बाई टू क्यों किया मैंने, पहले क्या करता था, सी बी सी बाई टू करता था, सी बी सी क्यों, क्योंकि वो डिजायरेबल या फिर परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंच जाती थी कॉन्क्रीट, तब जाके ब्रेक होती थी, लेकिन पहले स्टील ब्रेक हो जा रहा है और कॉन्क्रीट क्या है, सिर्फ स्टील तक ही साथ देगा, उसके बाद तो पूरा स्ट्रक्चर ही फेल हो जाएगा। तो जितनी जहाँ तक जाएगी, मतलब सी बी सी तक तो पहुँच नहीं पाएगी, वो पहुँचेगी सी ए तक, इसलिए मैं यहाँ पे सी ए ले रहा हूँ, सी ए बाई टू इंटू बी इंटू एक्स ए। टेंसाइल फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू सिग्मा एच टी अपॉन एम इंटू एम ए एस टी, ये तो सेम ही है, क्यों, क्योंकि टेंशन में है और अंडर एनफोर्समेंट है, तो और टूट यहाँ पर क्या रहा है, रेनफोर्समेंट ही पूछ रहा है, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस तक हमारा रेनफोर्समेंट पहुँच रहा है, इस कारण ये तो ब्रेक होगा, इसलिए ये सेम आएगा। जब मैं ओवर एनफोर्स की बात करूंगा तो ये ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होगा कॉन्क्रीट, वो मैं आगे समझाऊंगा। तो टी इक्वल टू क्या जाएगा, सिग्मा एस टी अपॉन टी, ये कैसा है, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ओके। नो मैं बात करता हूँ एक्स से, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, हम वहाँ पे क्या निकालते थे, एक्स सी निकालते थे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, एक्स से निकालूंगा, ठीक है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा एरिया मोमेंट मेथड से निकालूंगा, मतलब बी इंटू एक्स से, वहाँ पे क्या कर देते हैं हम, बी इंटू एक्स से, ओके, बाई एक्स बाई टू, क्योंकि मेरी डिस्टेंस कितनी जो सेंटर में होगी, मेरा क्या है ये एरिया स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या होती है, वहाँ कहाँ पर होती है, सेंटर में होती है, तो कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से एक्स बाई टू पे होगी, क्योंकि एक्स से है, ओके। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये बी इंटू एक्स से इंटू एक्स बाई टू इज इक्वल टू, ये तो ये वाला सेक्शन हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ, एम ए एस टी का एरिया कितना होता है, एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए, ठीक है, यहाँ से मेरा एक्स ए आ जाएगा, ओके। नाउ मैं बात करता हूँ मुझे क्या चाहिए, सी ए चाहिए, क्योंकि ये तो ब्रेक हो नहीं रहा, ये पूरा ब्रेक हो रहा है, तो मुझे सी ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सी बी सी तो होगा नहीं, तो सी ए क्या होगा, मेरा एक्चुअल स्ट्रेस इज द टॉप फाइबर ऑफ द कॉन्क्रीट सेक्शन, ठीक है। वो मैं कैसे निकालूंगा, सिमिलर ट्राइंगल से निकाल लूंगा, सिमिलर ट्राइंगल कैसे बनेगा, वो बनेगा यहाँ से, ठीक है, मैं सिमिलर ट्राइंगल बनाऊंगा, सी ए इज इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन एम कर दूंगा, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कर दूंगा, ओके। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, सी ए एक्स को मैं ले जाऊंगा, और एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ही लिया, तो मैं इसको पुटअप्स कर दूंगा, ओके। नाउ मैं बात करता हूँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मेरा फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है, स्ट्रेसेस इंटू एरिया इंटू लीवर, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, और लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म है ही सिग्मा एस टी ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। मैंने सिग्मा एस टी अपॉन ए एस टी को लिखा क्योंकि टेंशन में अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं, और ये ब्रेक भी टेंशन में ही हो रहा है, ओके। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील इज रीच्ड बिफोर द कॉन्क्रीट, जैसा मैंने बताया था कि जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है वो क्या हो जाएगा, रीच बिफोर द कॉन्क्रीट हो जाएगा, ओके। अंडर एनफोर्स सेक्शन की मैं बात करता हूँ तो डक्टाइल सेक्शन होगा, ये डक्टाइल सेक्शन क्यों होगा, क्योंकि इसमें स्टील पहले टूट रही है, यदि इसमें कॉन्क्रीट टूटती तो क्या होता है, ब्रिटल सेक्शन होता, ओके। नाउ मैं बात करता हूँ ओवर एनफोर्स सेक्शन की, तो ये मेरा क्या है, स्ट्रक्चर है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, ओवर एनफोर्स्ड क्यों बोला मैंने इसको, यदि इसमें ओवर एनफोर्समेंट है, मतलब एनफोर्समेंट तो अपने डिजायरेबल स्ट्रेंथ तक पहुंच ही जाएगा, ठीक है, उसके अंदर इनफ स्ट्रेंथ होगी कि वो बेयर कर ले, बट जो कॉन्क्रीट है वो पहले ही ब्रेक हो जाएगी, कॉन्क्रीट पहले ब्रेक हो जाएगी, तो मतलब परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंचेगी, और परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है कॉन्क्रीट की, सिग्मा सी बी सी, ओके। सेम अपन ने वही लगाया है कॉम्प्रेशन के अंदर, सिग्मा सी बी सी बाई टू इंटू बी इंटू सी ए, जो अपन ने क्रिटिकल सेक्शन पढ़ा था वही फॉर्मूला यूज आ रहा है, बट टेंशन के अंदर क्या हो जाएगा, अपन क्या कहते हैं, सिग्मा एस टी अपॉन एम करते थे, तो सिग्मा एस टी की जगह क्या आ जाएगा, टी नॉट आ जाएगा, क्योंकि यदि कॉन्क्रीट पहले ही ब्रेक हो जा रही है तो वो अपने डिजायरेबल पाथ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, ठीक है, तो वो पहले ही इसको छोड़ना पड़ेगा कॉन्क्रीट को, मतलब स्ट्रक्चर को पहले ही फेल मानना पड़ेगा, तो कहाँ तक स्ट्रेसेस गेन करेगी, वो है टी नॉट अपॉन एम एम एस टी, ओके। इस तरह से सेम अपन ने बी ए इंटू एक्स इजिकल टू एम की वैल्यू निकाल ली अपन ने, ओके। और नाउ मैं बात करता हूँ जो एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील है, वो मैं सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लूंगा, ऐसे टी ए की वैल्यू आएगी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके,
ये अपन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यदि कोई डाउट हो लास्ट वाला सेक्शन मैंने जल्दी इसलिए कराया क्योंकि अपना टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है,